पुलिस के पास पक्के सूचना थी कि इलाके के एक गांव में हथियार तस्कर मिनीगन फैक्ट्री चला रहे हैं और इस मिनीगन फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाकर अपराधियों को बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम इस गांव में छापेमारी को लेकर पहुंच गई और जब पुलिस टीम इस गांव में एक घर के सामने पहुंची और घर को घेर लिया तो सूचना पक्की हो गई। इस घर के भीतर एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। पुलिस ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, मिनीगन फैक्ट्री चलाने वाला मोहम्मद इकराम भागने लगा, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और घर के भीतर से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ हथियारों की बरामदगी भी की। बताया जाता है कि कई सालों से भागलपुर के सजौर थाना के दौना गांव में मोहम्मद इकराम हथियार की अवैध फैक्ट्री चला रहा था। इसकी एक गुप्त सूचना भागलपुर के सीनियर एसपी बाबू राम को मिली थी। सूचना मिलते ही सीनियर एसपी बाबू राम ने विधि व्यवस्था डीएसपी कुमार गौरव को तत्काल छापेमारी का निर्देश दिया। सीनियर एसपी के आदेश पर तत्काल डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने सजौर थाना पुलिस के साथ भागलपुर पुलिस की बजरा टीम बी के साथ संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी रजौर थाना के दौना गांव के मोहम्मद इकराम पिता औरंगजेब के घर पर की गई। छापेमारी के क्रम में मोहम्मद इकराम के घर में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हो गया। भागलपुर के विधि व्यवस्था डीएसपी कुमार गौरव ने बताया कि करीब 4 बजे शाम जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उस दौरान घर में सन्नाटा था, पर ड्रिल मशीन चलने की आवाज आ रही थी। जानकारी के मुताबिक सजौर थाना क्षेत्र के दौना गांव के इस घर में सालों से अवैध मिनीगन फैक्ट्री मोहम्मद इकराम चला रहा था, जहां भारी संख्या में अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को मिल गई थी और उन्हीं के निर्देश पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोहम्मद इकराम के घर पर छापेमारी की गई। इस घर से छापेमारी में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित सामान के साथ एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसके साथ ही घर में चलाए जा रहे अवैध मिनीगन फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद इकराम को भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि अवैध हथियार बनाने का औजार और सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई, जिसमें 6 कीपैड मोबाइल, 1 ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल, 1 देसी पिस्टल जो पूर्व निर्मित है, साथ में अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर और 8 बोर का हथियार बनाने के लिए रखे गए लोहे के पाइप और बैरल, ड्रिल मशीन, 15 छोटी रेती, 6 बॉल का बैरिंग काटने वाला रेती, 6 जिंदा कारतूस, 3 चिमटा, 2 लोहे के आरी ब्लेड, अलग अलग डायमीटर का ड्राइंग रेड, 17 पीस छोटे छेनी, 3 पीस मिनी बिल्डिंग बरामद किया गया। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने बताया कि 2 और अभियुक्त इस फैक्ट्री में कार्यरत थे जो अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्षेत्र में चल रहा था, सिटी एसपी सर के मॉनिटरिंग में आज ये रेड जो है कंडक्ट कराया गया। आज गुप्त सूचना मिला बजरा सजौर ओपी सजौर थाना और बजरा बी जो टीम है, ये दोनों ने संयुक्त छापेमारी की। 4 बजे के तकरीबन ये छापेमारी ग्राम दौना में हुआ और यहाँ पे मोहम्मद इकराम के घर में और उनके भाई के घर में, दोनों के घर से ये चीज़ें जो है बरामद हुई है। मिनी गन फैक्ट्री जो है दोनों चला रहे थे और ये मिनी गन फैक्ट्री में जो चीज़ें बरामद हुई है, जब्त किया गया है 6 कीपैड वाला छोटा मोबाइल जब्त किया गया है, 1 ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड सेट, 1 देसी पिस्टल पूर्ण निर्मित, 1 अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर बैरल, 8 बैरल बनाने हेतु लोहे का पाइप, 2 हैंड ब्लोअर, 2 ड्रिल मशीन, 15 छोटा बड़ा रेती, 6 बैरल का क्रूज करने का औजार, 1 फायरिंग पिन, 2 ट्रिगर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर का, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर का, 1 जिंदा कारतूस 7.62
मिलीमीटर का, 315 बोर का 2 मिस फायर खोखा, कारतूस के प्रतिरूप द्वारा लोहे का कारतूस 3, 5 सरसी, 2 आरी ब्लेड लगा तथा 8 आरी ब्लेड, अलग अलग डायमीटर का ड्रिलिंग रॉड 17 पीस, छोटा छैनी 8 पीस, 3 पीस बेंच राइस, 1 पीस हैंड राइस, 2 पीस निहाई, 3 पीस पालकी, 2 पीस वेल्डिंग वायर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिनी गन फैक्ट्री में पकड़ाया है। और जो अभी जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में अपने कन्फेशन में 2 और आदमी का नाम लिया है जो इस सारे कृत्य में संलिप्त थे, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है पुलिस द्वारा और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे कार्रवाई होगी। जैसे चिन्हित किया गया है सर, वो क्या लगता है कि कितने दिन में गिरफ्तारी हो सकते हैं? वही हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तारी। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं? जी स्थानीय है सर, हाँ अभी तक तो यही सूचना मिली है स्थानीय है। और उसके इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है कहाँ पे सप्लाई करते थे और कहाँ से ये लोग, बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल है जैसे कि पाइप से सर, वो कहाँ से ये लाते थे। तो चिन्हित जो नाम है सर, उसका नाम अभी हम लोग चिन्हित किए हैं। अच्छा, और वो जैसे ही हम लोग उसको गिरफ्तार करेंगे वो सामने मीडिया के सामने समक्ष रखा जाएगा। बहरहाल इतना जान लीजिए कि बिहार के मुंगेर और भागलपुर नौगछिया के इलाकों में पुलिस की कार्रवाई कितनी भी हो, पर अवैध हथियार के कारीगर लगातार अवैध तरीके से हथियार बनाने में जुटे रहते हैं और हथियार बनाकर अपराधियों तक पहुंचा देते हैं। इस कार्रवाई के बाद भी भले थोड़े दिनों तक अवैध हथियार बनना रुक जाएगा, पर अपराधियों द्वारा जब पैसे का लोभ दिखाया जाएगा तो ये कारीगर फिर से हथियार बनाने के काम में लग जाएंगे। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।